गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो लास्ट वी आर डिस्कस द टॉपिक ऑफ रिएक्शन मेकेनिज्म उसमें हमने वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ हिटोलैटिक फ्यूशन और होमोलैटिक फ्यूशन नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द टॉपिक लाइक अ इंडक्टिव इफेक्ट बेटे तो ये टॉपिक ध्यान दो कि बहुत इंपॉर्टेंस है इसके बाद आएगा कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देन मैसेमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जुकेशन रेजिनेस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पे भी डिस्कस द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्ट इफेक्ट सो वट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्ट इफेक्ट सो एल टेक वन एग्जाम्पल वींगन लाइक प्रोपेन सो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मुलट लिखा है सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एच टू सी एल दैट इज कॉल क्लोरोप्रोबेन यानी वन क्लोरोन दैट इज कॉल्ड वन प्रोपेन। ओके आई जस्ट मेक अ स्केलेटन ऑफ दिस कंपाउंड तो मैं यहां पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं उसका स्केलेटन ड्रॉ कर रहा हूं सो वी हैविंग थ्री कार्बन वन टू एंड थ्री अटैच विद द क्लोरीन एटम्स ओके बाकी जो बैलेंस है आई जस्ट फिल विद द हाइड्रोजन दैट इज अ वन क्लोरो प है डिस्कस द टॉपिक लाइक इंडक्टिव इफेक्ट इन दिस लेक्चर ओके सो यहां पर वी कैन से दैट यहां पर अटैच कौन है सी एल एंड वी नो दैट सीएल इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन मैंने आपको आगे भी बोला था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स तो यहाँ पे कैन यू से दैट कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर कंपेरिजन में ज़्यादा होगी दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ओके तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि जो लास्ट ग्रुप है जैसे 15, 16 और 17 कैलिमेंट्स इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप ओके सो यहां पे बटे होगा क्या कि सीएल की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कार्बन से ज्यादा होगी सो so, क्या होगा सो वी नो दैट बिटवीन टू एटम्स बिटवीन कार्बन एंड क्लोरिन हैविंग अ कोवैलेंट बॉन्ड ये जो है दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड या फिर इसको बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड ओके सो यहां पे क्या होगा कि वन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम क्लोरिन वन कम फ्रॉम कार्बन ओके सो वी नो दैट कि क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन तो होगा क्या इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द शेयरिंग बॉन्ड गोइंग टूवर्ड्स सीएल साइड यानी सीएल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा खींचेगा दैट्स वाई इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जो यहां पे बॉन्ड टूटता नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सीएल की ओर जाएगा सेकंड थिंग क्लोरीन पे क्या है तीन कैसे तो आपको बताया कि क्लोरीन की लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑर्बिटल में है वो क्या कर सकते हैं वो भी सीएल की इलेक्ट्रोनिविटी क्या, नेगड़िव क्या करता है इंक्रीज करता है सो व्हाट हैपन हियर सो इलेक्ट्रॉन गोइंग टूवर्ड्स सीएल साइड सो सी एल है पार्सल नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे क्या आएगा पार्सल क्या आएगा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा और यहाँ पे क्या हो गया प्लस डेल्टा हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन गोइंग टूवर्ड्स सी साइड दैट्स वाई टू पोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल ऑप्टेन दैट्स वाई दिस बॉन्ड इज गोइंग टू अ पोलर ये बॉन्ड क्या हो गया अपना पोलर बॉन्ड हो गया और ये जो है पोलरिटी स्प्रेड इन द चेन ऑफ कार्बन तो यहां पर क्या होगा कि ये जो है पोलॉरिटी वो क्या होगी कि चेन में भी प्रोड्यूस होगी तो यहां पर क्या आएगा प्लस टू डेल्टा एंड ही प्लस थ्री डेल्टा आफ्टर थ्री कार्बन दिस इफेक्ट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय आगे जाके क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी तो दैट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट कॉमन है मैंने यहां पे लिखा डेफिनेशन इफ द कार्बन एटम्स इज कोवेलेंट एंड बॉन्डेड टू एंड ऐटम्स ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड बिकम्स पोलर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलर इफेक्ट स्प्रेड्स ओवर द कार्बन एटम्स इन अरेंज इन अ चेन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव बेटे तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर जब भी ऑर्गेनिक चेन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच इथ द कार्बन एट दैट टाइम बॉन्ड बिकम्स पोलर एंड दिस पोलर इफेक्ट स्प्रेड इन द कार्बन चेन दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव बेटे तो यहाँ पे हैविंग टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस एंड माइनस कंपेयर टू द हाइड्रोजन ध्यान दे बेटे ये जो कंपेरिजन है इंडक्ट इफेक्ट प्लस और माइनस है वो हाइड्रोजन एटम्स की कंपेयर में रखा हुआ है तो एक यहां पे होगा यू कैन सी सिंपल ये प्लस आई इफेक्ट व्हाट इज द दिन को प्लस आई इफेक्ट प्लस मतलब कब आएगा जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या आएगा प्लस तो यहां पे बोल सकता हूं मैं दैट इज कॉल ये कौन से एटम्स हो सकते हैं तो ये जो होगा ग्रुप पॉजिटिव होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटर होगा सेकंड हाइड्रोजन कंपेयर में क्या होगा बेटा यहां पे आई जस्ट राइट डाउन हियर माइनस आई इफेक्ट ये कौन हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटर यहां पे लिख सकता ग्रुप यहां पर कौन होगा इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप होगा आई जस्ट कंपेयर विद द पे ले रहा विद्जाम्पल समझो तो कैसे जैसे मेरे पास एग्जाम्पल में यहां पे ले रहा हूं वी एव एन एग्जाम्पल सी बॉन्ड एक्स सी बॉन्ड चलो जेड लिखा है मैंने व्हाट एवर कोई भी हो सकता है बेटे आगे भी होगा आगे चेन होगी दो तो यहां पे लिखूंगा मैं Z इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन देन कार्बन तो बेटा क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स सी साइड तो यहां पे क्या आया पार्सल पॉजिटिव यहां पे क्या पार्शियल नेगेटिव तो ये जो ग्रुप हो गया प्लस आई ग्रुप हो गया समझ में मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट और जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर एच से ज्यादा होगी या फिर बोल सकते जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर एच से कम होगी

यहाँ पे क्या आएगा चार्ज माइनस दिस इज ऑल आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया यहाँ पे सो so, यहाँ पे कंपेरिजन विद द हाइड्रोजन तो यहाँ पे जिस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर एच से ज्यादा होगी दैट इज प्लस इफेक्ट और कम होगी दैट इज माइनस इफेक्ट तो यहाँ पे वेविंगसन सीक्वेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और माइनस आई और प्लस आई तो यहाँ पे लिखा बेटा इलेक्ट्रॉन विड ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन कंपनी और क्या करेगा बेटा खींचेगा सो दे हैव गिवन अ सीक्वेंस लाइक अ स्ट्रॉन्ग एनओ टू देन आफ्टर सी एन सी डबल एच एफ सी एल बी आर आई ओ एच ओ एच सी एस थ्री फिनल एन लास्टली हैविंग हाइड्रोजन तो बेटा आपको ये सिक्वेंस याद रखना है इस सीक्वेंस को क्या करना है याद रखना है क्योंकि आपको पूछ सकते हैं राइट ड सीक्वेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट तो माइनस मतलब क्या हो गया जिसकी एक सिंपल है आई की कंपेरिजन में जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा दैट इज माइनस और एच की में जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डर्डर करेगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो गया कंपेरिजन में ठीक है सो ए सिक्वेंस से माइनस आई इफेक्ट ये बेटे प्लस आई में कौन है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड मिथैल ग्रुप ओके सो ये हो गया अपना इंडक्ट इफेक्ट क्लियर एक बार पूरा समझ लो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ध्यान दें यहाँ पे के बॉर्न हो गया पोलर वाई सो सी एल इज अ मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिव देन कार्बन तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा दैट्स वाई बॉडी इज गोइंग टू पोलर और ये पोलर इफेक्ट स्प्रेड इन द कार्बन चेन दैट इज कॉल्ड अ इंडक्ट इफेक्ट कंपेरिजन करेंगे तो हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्लस एंड माइनस कंपेयर टू द एच एच की कंपनी में क्या होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज़्यादा होगी वो पॉजिटिव और कम की हो क्या होगा नेगेटिव ओके ये पूरा बेटे ध्यान से देख लो ध्यान आपका डिस्कस द टॉपिक ऑफ कार्बो कैटन कार्बो नाइन ओके क्लियर पूरा ध्यान से देख लो मैं यहाँ पे एक ग्रुप लिख रहा हूँ क्योंकि आपको हर बार एक करना है इसके लिए ठीक है यहाँ तक पूरा देख लो चलो बेटा ओके बेटे आफ्टर दैट हैविंग फोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन लाइक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कार्बो कैटाइन एंड कार्बोनाइन ओके बेटे तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था हिट्रोलैटिक फिशन तो उसमें क्या था इफ यू हैविंग सम एग्जाम्पल लाइक सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री या फिर जस्ट जैसा डाउन लाइक दिस वन सी एच एच एंड एच विथ दी एल हैविंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लॉन पैर मतलब तीन लॉन पैर वन इलेक्ट्रॉन शेरिंग विद द कार्बन सो ड्यूरिंग द हिटोलाइटिक फ्यूशन दैट इज अटोलाइटिक फ्यूशन सो एट दैट टाइम व्हाट विल है एट दैट टाइम सो सी एल इज अ मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिव देन कार्बन तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा ना सो बौद्ध इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड से दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चलेगी बेटे सी एल को दोनों इलेक्ट्रोन मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड सेल एवंग नेगेटिव चार्ज एंड देविंग पॉजिटिव सो यहां तो फिर क्या होगा बेटे यहाँ पर बनेगा एच सी एच एंड एच है पॉजिटिव चार्ज एंड देन ऑप्टेन सीएल यहां पर लिख रहा हूं ऑप्टेन द सी एल तो एक दो तीन चार पांच छ सात नंबर एट इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम कार्बन तो यहाँ पे एक आ गए बेटे तो दैट इज अगेटिव चार्ज ओके सो इलेक्ट्रोफाइल तो फाइल बेटे इट इज कम फ्रॉम फीलिंग्स एट्रैक्शन तो जिसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होगा एक कॉमनली मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज लाइक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव तो ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कौन करेगा कौन कर सकता है अब पॉजिटिव चार्ज आयन या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा नहीं ओके दैट पार्ट अट्रैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल तो बेटे यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपने एक्सेप्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो चार्ज क्या होगा वो आयन होगा पॉजिटिव या फिर इसके पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन डिफिशिव इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा नहीं तो मैंने लिखा है यहाँ पे द पार्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन ड्यूरिंग हिटोलाइटिक्यूशन और सम मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल या फिर बेटे बोल सकते कि जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को एट्रेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल तो बेटे ध्यान दे यहां पर कौन हो सकता है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज जैसे मेरे पास आई जस्ट आई डम समे एन ओ टू प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया है ओके okay, दूसरा लिख बेटे में सी एस थ्री प्लस मिथाइल कैटाइन ये भी पॉजिटिव है सी एल प्लस बी आर प्लस ओके बहुत सारे ऐसे तो यहाँ पे दिस ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल ओके okay, सो कैसे पता चलेगा आई जस्ट डाउन डन रिएक्शन जो आपको आगे के चैप्टर में होगा इलेक्ट्रोफिलिक असटूड्यूशन रिएक्शन जैसे मेरे पास बेंजिन बेटे यहाँ पे ध्यान तो पूरा समझो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे जैसे अपने पास कौन है बेटे बेंजीन है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और अपना कौन है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओके एच एन ओ थ्री क्योंकि आपका आगे वाले चैप्टर में आने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच टी एस ओ फोर ओके इट इज अ कैटालिस्ट इट इज अ कैटालिस्ट ओके सो so, यहां पे क्या होगा बेटे वी हैव टू मेक अ दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल अ सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है सो वी हैव टू मेक अ इलेक्ट्रोफाइल पार्ट फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड तो यहां पे ध्यान दो मैं यहां पे आपको बना रहा हूं तो क्या बनेगा एच एन प्लस एच तो क्या बनेगा यहाँ पे एन प्लस बन गया प्लस एच एस ओ फोर माइनस प्लस क्या हो गया एच टू कैसे बना वो मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके मैंने दो पार्ट किया क्या बनेगा एक के मैंने ओ एच माइनस एन एन ओ टू प्लस हो गया बेटे ओके okay? मैंने इसके दो पार्ट किए एक किया एच प्लस एन एच एस ओ फोर माइनस ओके ये दो अटैच हो गया इट इज कन्वर्ट इन अ वाटर मॉलिक्यूल्स इट इज़ अ कैटालिस्ट कैटाल क्या करता है रिएक्शन में फास्टर बट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन तो ओके सो यहाँ पे क्या हो गया एनोडो ये कौन है चार्ज पॉजिटिव है तो so, इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो so, ये क्या करता है बेंजिन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अट्रैक्ट होगा यानी ये अट्रैक्ट होगा तो बेंजिन के जिस कार्बन पे जाएगा वहां से एच को रिमूव करेगा और यहाँ पे एनोडो जाएगा तो so, मतलब हुआ क्या इन दिस रिएक्शन यहाँ पे बेंजिन के ऊपर आ गया अपना एन ओ टू आ गए बेटे और जो H प्लस रिमूव हुआ वो H प्लस कहां पे जाएगा अटैच विद ओसो फोर बन गया वापस एच टी ओसो फोर ओके दैट इज कॉल्ड नाइट्रो बेंजीन ये के बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओके तो यहां पर ध्यान दो कि पॉजिटिव चार्ज आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दे हैविंग पावर टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल फाइल इट इज कम फ्रॉम फिलिंग्स जिसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा चलो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज बैठा है आपने पढ़ा होगा एक समझाने के लिए न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा आता है बेटे पॉजिटिव आता है हैविंग प्रोटॉन एक आपको समझने के लिए तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो कैसा होगा क्या होगा नेगेटिव होगा या फिर लॉन पेयर जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स हो सकते तो यहाँ पे इससे उल्टा हो जाएगा तो इसमें क्या आएगी डेफिनेशन द पार्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन उसमें क्या था द पार्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन इसमें न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा इसमें क्या होगा आई जस्ट स्पीक द डेफिनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन ड्यूरिंग हिट्रोल्टिक फ्यूशन द पार्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन ड्यूरिंग हिटोलटिक फ्यूशन और सम न्यूट्रल मोलिक्यूल्स हैविंग कैपेसिटी टू डोनेट पैरफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल फाइल तो बेटा यानी दो ये क्यों डोनेट करेगा बिकॉज ऑफ दैट हैविंग मच मोर इलेक्ट्रॉन सो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है इसका चार्ज क्या होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा समझाने के लिए दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल बेटे तो यहाँ पे कौन हो सकता है तो ऑल ऑफ द आयन्स, जैसे मैंने लिखा है हेलोजन आयन से बेटे यहाँ पे हैविंग अ नेगेटिव चार्ज देन आफ्टर जैसे एमोनिया मैंने लिखा बेटे एमोनिया है फिर एच टू है उसके पास क्या है एक्स्ट्रा लॉन् पेयर है ना दिस इज बी ऑलाइ अलियो फाइल ओके सो दे मैनी मोर एग्जाम्पल जैसे एक्स ओ एच मैंने अभी लिखा है एक्स ओ एच सी एन एन एच टू एक्सेट्रा लिख लो चलो एक्स ओ एच सी एन दिस आर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव बोल सकते अपन यहाँ पे एमोनिया वाटर अल्कोहल भी आ सकते हैं यहाँ पे बिकॉज अल्कोहल में ओके पास क्या है पेयर है ईथर भी आ सकता है आर ओ आर दिस ऑल हैविंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्स्ट्रा पेयर दैट्स वाई दिस ऑल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिव चार्ज आयन टम्स टू कैपेसिटी द एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन दॉल इलेक्ट्रो फाइल और कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियो फाइल ओके तो बेटा ये हो गया नंबर टू कार्बोकेटन कार्बोन यहां से अपने को मिल गया बेटे यहां पर ड्यू टू दिट्रोलेटिक फ्यूचर तो यहां पर ध्यान दो पॉजिटिव चार्ज आय है सिक्स इलेक्ट्रॉन यानी अपने को मिलने बैठा आगे बोल दैट है दैट इज़ कॉल कार्बोकेटाइन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैविंग ऑक्टेट इट्स कॉल कार्बोन आयन ओके बेटे यहाँ पे तो यहाँ पे वी कैन से डू मोर डेफिनेशन अबाउट कार्बोकेटाइन कार्बोन आयन मैं यहाँ पे बोलू तो बेटा ऐसा आएगा व्हेन द पॉजिटिव चार्ज अ ग्रुप हैविंग सेवरल एटम्स इन विच अ कार्बन एटम्स हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन एंड हैज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन और कार्बोनियम आयन इट इज हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट वेरी शॉर्ट लिव फॉर ओके बेटे यहाँ पे तो एटोलैटिक फन होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन आया हैविंग सिक्स इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड कार्बो कैटाइन और कार्बोनियम आयन ओके बेटे ध्यान दो जो भी एटम्स में चार्ज होगा यानी आयन्स होगा पॉजिटिव आयन्स होगा बेटे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन या फिर फ्री रेडिकल दिस ऑल आर हाईली रिएक्टिव एंड हैविंग लेस लाइफ मतलब क्या होगा वो तुरंत क्या करेगा रिएक्शन करके आ, मतलब इट इज कनोडिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तो ध्यान तो मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ कार्बोकेटाइन और कार्बोन आयन के बारे में बेटे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना पॉजिटिव चार्ज आयन दैट इज कॉल कार्बोकेटाइन नेगेटिव चार्ज आयन दैट इज कॉल्ड कार्बो नाइन तो बेटे जो कार्बो कार्बोकेटाइन हैविंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कार्बोकेटाइन सो वी हैविंग कंपेरिजन लाइक एक के मीथैल है बेटे यहाँ भी दो सेकंड थिंक मैं लिख रहा हूँ पे इथाइल केटा है नंबर थ्री वी हैविंग अ सी एस थ्री सी आइसोप्रोबल कैटा और कौन है टर्सरी कार्बोकेटाइन है सी एस थ्री सी सी एस थ्री एन सी एस थ्री ये मिथाइल कैटाइन ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये कौन है और टर्सरी कार्बोकेटाइन ध्यान दे बेटे आई एल जस्ट कंपेयर विच इज द मोर स्टेबल इन दिस फोर वन तो सबसे ज़्यादा बेटे पॉजिटिव यहाँ पे आई जस्ट हाइड डाउन प्लस यहाँ पे बेटे आएगा और मैंने यहाँ पे एच कर दिया ये मिथाइल कैटाइन है मिथाइल कैटाइन का मैं स्कैल्टन ड्रॉ कर तो कुछ ऐसे बनेगा ध्यान दो बेटा पूरा थोड़ा समझ लो एच सी एच एच और ये हो गया प्लस मिथाइल कैटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी और टर्सरी कैसे पता चला बेटे सो so, यहाँ पे हाउ कैन वी से दैट पॉजिटिव कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज कार्बन और अटैच विद द वन कार्बन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज कार्बन अटैच विद द टू कार्बन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन अटैच विद थ्री कार्बन दैट इज कॉल्ड टर्सरी कार्बोकेटाइन बेटे ध्यान दें यहाँ पे सो इन दिस फोर कार्बोकेटाइन विच वन इज द मोस्ट स्टेबल देन अनदर बेटे तो यहाँ पे तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा तो एक मैं बात करूं कि जिस पे चार्ज कम होगा बेटे जिस पे चार्ज कम होगा वो क्या हो होगा स्टेबल हो जाएगा जैसे हम एग्जांपल बोल सकते बेटे का किसी बंदे को मैंने एक रूम में बंद करके रखा है आई डू नॉट गिव अ फूड एंटायर टायर सेवन डेज ओके और उसको बोलेंगे भाई आज तुझे पैदल जाना है पाँच किलोमीटर तो जा पाएगा नहीं मतलब जितना उसके पास एनर्जी है ही नहीं तो क्या हो जाएगा वो स्टेबल मतलब जिसके पास एनर्जी नहीं होगी वो क्या हो जाएगा स्टेबल और एनर्जी रहे हो क्या हो जाओ अनस्टेबल तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो जितना चार्ज इंक्रीज होगा ना उतना अनस्टेबल हो जाएगा तो जितना चार्ज डिक्रीज होगा उतना क्या हो जाएगा स्टेबल तो यहाँ भी ध्यान दो हाउ कैन वी सी दैट विच इज द मोस्ट स्टेबल देन अनदर एटम अनदम अनदर अनद एटम तो बेटा ध्यान दो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो आगे हमने डिस्कस किया है कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे कुछ है मिथाइल दिखता है किधर भी ये हो गया इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग ग्रुप है बेटे तो ये क्या करेगा ये मिथाइल आयन मैं यहां पे थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं बेटा समझ हुआ आई डिस्कस विद कार्बोकेटाइन तो यहां पे मेरे पास कौन है सी एच थ्री सी एच और एच ये अपना कौन है प्राइमरी कार्बोकेट आयन ओके बाद में समय ड्रो कर रहा हूं तो प्राइमरी कार्बोकेट है मैं दूसरा यहां पे लिख रहा हूं सी एच थ्री सी एच एंड सी थ्री दैट इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है यहाँ पे नंबर थ्री मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री और यहाँ पे प्लस एक वन बैठे अपना टर्सरी कार्बोकैटन तो ध्यान दो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप क्या है ये मिथाइल जो ग्रुप बैठे है ना दैट इज अलेक्ट्रॉन डोनिंग ग्रुप है बेटे ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो होगा क्या Dand बेटे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है दैट नेगेटिव होगा होगा तो पे हो कि, कि, ये जो है मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जाएगा तो इससे होगा क्या इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उससे होगा क्या कि ये चार्ज कम हो जाएगा और ये चार्ज कम हो गया तो ये क्या हो हो जाएगा बेटे उसकी कम हो जाएगी कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेट हैविंग टू मिथाइल ग्रुप ये भी है और ये भी है और ये दोनों ग्रुप कौन है दिस बोथ ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डॉन्ड्रिंग ग्रुप है तो क्या करेगा यहां पे दोनों यानी इस तरफ क्या आया पार्टिसल नेगेटिव और ये चार्ज कहाँ चला गया स्प्रेड हो गया पार्टिसियल पॉजिटिव यहां पे हो गया बेटे यहां पे तो इस पे क्या हुआ मैंने बोला कि एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बड़े, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो कंपेयर टू सेकेंडरी में क्या होगा हैविंग टू मिथाइल ग्रुप ना दोनों मिथाइल क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन पास आउट करेगा तो इस कार्बन पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी अगर ये इंक्रीज होगी बेटे तो ये चार्ज कम हो गया चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या तो group, हो जाएगी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो यहां मिथाइल ग्रुप अब यू लाइक अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर दिस ऑल हैविंग प्लस आई इफेक्ट बेटे प्लस आई इफेक्ट तो क्या करेगा ये सबके सब क्या करेगा कि कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन पास करेगा बराबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटे यहां पे, ओके तो क्या होगा यहां पे? तो ये करेगा तो इससे क्या होगा कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी दैट्स वाई इसका चार्ज बहुत ही कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल मतलब इफ आई डिस्कस अबाउट द कार्बोगेटाइन तो सबसे स्टेबल कौन होगा टर्सरी कार्बोकैटाइन टर्सरी कार्बो देन आफ्टर, सेकेंडरी देन आफ्टर, प्राइमरी कार्बोकेटाइन लास्ट में बेटे कौन होगा मिथाइल कैटाइन ओके तो ये अपना सीक्वेंस है तो बेटे स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द डिक्रीजिंग द चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन ओके तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रो कार्बोकेटाइन के बारे में सेम एज इफ आर डिस्कस अबउट द कार्बोन आयन तो यहां पर समझो ध्यान दो कार्बोन आयन में क्या होगा कि हैविंग नेगेटिव चार्ज एन हो गया बेटे यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव तो ध्यान दो यहाँ पे वी हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे तीन है मैं तीन लिख रहा हूं मैं विच वन तो मिथाइल एन आय प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एन इसको मैं इंगेज कर रहा हूं पूरा ध्यान से बेटे देख लेना ये मैं इसको इरेज कराऊ अभी हम समझा रहे हैं इसको सीक्वेंस रखता हूं बेटे में कि आई डिस्कस अबाउट द कार्बोन आयन तो इसमें क्या होगा वी हैविंग थ्री कार्बन आयन लिख रहा है बेटे यहां पे मैं एक है सी एच थ्री माइनस नंबर टू सी एस थ्री सी एच टू माइनस नंबर थ्री ये हो गया अपना प्राइमरी देन आफ्टर आएगा क्या बेटे सेकेंडरी में क्या होगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री एच हैविंग नेगेटिव चार्ज ये कौन हो गया अपना सेकेंडरी, और टर्सरी यहाँ लिख रहा हूँ बेटे मैं सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री और कैन चार्ज नेगेटिव ये हो गया टर्सरी समझ में जैसे मैंने आगे लिखा थे वैसे ही है, नेगेटिव चार्ज कार्बन एटेज विथ द वन कार्बन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एन आय कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज कार्बन एटेज विद टू कार्बन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन आयन और नेगेटिव चार्ज कार्बन एटेज विद थ्री कार्बन दैट इज कॉल्ड टोर्सरी कार्बन आयन तो बड़े ध्यान दो यहाँ पे सिक्वेंस कैसे होगा उसमें क्या था तो उसमें मैंने सिक्वेंस लिख रहा है फिर से यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था उसमें तो टोर्सरी कार्बो कैटायन था देन आफ्टर कौन था तो सेकेंडरी कार्बो कैटायन था जैनपटोकॉन था प्राइमरी कार्बो कैटायन था लास्ट में क्या था बेटे मिथाल कैटायन था तो यहाँ पे ध्यान दो तो कैसे तो जितना चार्ज डिक्रीज होगा उतना वो स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो बंदा है ये जो एक्ट मॉलिक्यूल्स है ये जो पार्ट है दैट है प्लस आई इफेक्ट बेटे तो ये क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा

प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई होगा बेटे यहां पर इलेक्ट्रॉन को पास टू वर्ड्सिड तो यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी ज्यादा बढ़ी तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया तो टर्स क्या होगा बेटे तीन तीन मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे कार्बन इज गोइंग टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया मतलब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई बढ़ गई तो ये चार्ज बढ़ गया चार्ज बढ़ गया तो क्या हो गया बेटा अनस्टेबल हो गया तो यहाँ पे उल्टा होगा उसमें सबसे स्टेबल कौन होगा तो मिथाई लेना है यहाँ पर लिखता हूँ मैं बेटा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा सी एस थ्री माइनस देन आफ्टर सी एच टू सी थ्री सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हाँ सी एच टू सी थ्री मतलब कौन हो गया यहाँ पे डे प्राइमरी कार्बोनायन आफ्टर क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोनायन आफ्टर क्या होगा बेटे यहाँ पे और टर्सरी कार्बोनाइन बेटे ओके क्लियर तो यहाँ पे अगर उल्टा हो गया ध्यान दो अगर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मिथाइल कैटन की जगह क्या होगा अगर ये वाला ग्रुप एटर्च हो गया ना तो पूरा जो है ना सीक्वेंस पूरा चेंज हो जाएगा ओके okay? जितना चार्ज जोगा उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी ओके दैट इज द कंपेरिजन ऑफ कार्बो कैटाइन एंड कार्बोन तो समझ में आए बेटे कि हिट इन द पार्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन ड्यूरिंग द दिटोल और सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल और कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल बेटे तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है न्यूक्लियस एट्रैक्शन होगा तो वो हिसाब से भी जस्ट डिस्कस अबाउट द टॉपिक लाइक इलेक्ट्रोफॉइल न्यूक्लियोफॉइल कार्बोकेटायन कार्बोनाइन इंडक्टिव इफेक्ट में बेटे क्या दिखा पॉजिटिव और नेगेटिव आया समझ में दैट इज द कंपेयर विद द हाइड्रोजन जिसकी हाइड्रोजन कंपलिशन में जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज़्यादा होगी दैट इज़ अ माइनस आई इफेक्ट मतलब ई डब्ल्यू ची हो जाएगा जिसकी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट इट्स कॉल ईडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओके तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे पूरा समझना है तो मैंने कहाँ से कहाँ तक गए हम लोग रिएक्शन मेकेनिजम में देखा बेटे तो रिएक्शन में था क्या तो कभी कभी क्या तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनती है कभी इंटरमीडिएट बनता है लास्ट में इट इज कनेट प्रोडक्ट तो मेन को सब्सेट बाकी एटैकिंग ग्रुप बनेगा डिस्कस द टॉपिक लाइक हिट्रोलाइटिक फ्यूज तो उसमें भी आपको समझ में आ गया उसके बाद हमने लिए यहाँ पे बेटे कार्बोकेटाइन कार्बोन ध्यान पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो सब डिस्कस किया बेटे यहाँ पे पूरा देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से ओके okay? यहाँ तक क्लियर आपको इसके नोट्स भी बनानी है और तैयार भी करना है ठीक है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन बेसिक है आपको पूरा समझना है ये पूरा बेटा समझना जरूरी है एक बार पूरा लिखना है रेडी करना है ओके थैंक यू वेरी मच यहाँ तक पूरा देख लो बेटे